हेलो, आई एम अजय. नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, दैट इज इक्वेशन. व्हेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होगा जब हम एक्स की जो डिग्री है वो इक्वल्स कितनी हो, टू, तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे. Now we know that the polynomial is the function of x. That is, कि कोई भी polynomial तब होता है जब उसको x कोई variable कोई भी हो, चाहे x, y, z, वो variable का function. That is x cube plus x square plus x plus 1. That's all. Next topic पे बात करेंगे. Same. I will define that कि general form जो होता है हमारा वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है और यहाँ पे सबसे बड़ी बात होता है जो हमारा कोफिशियंट ए बी और सी है वो तीनों कोफिशियंट हमारे ग्रेटर देन जीरो होंगे. ठीक है, बट ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा एंड बी एंड सी इक्वल्स टू जीरो हो सकते हैं. लाइक जैसे मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा एक्स का कोफिशियंट है दैट इज वन. एक्स का जो कोफिशियंट है यहाँ पे लिखते हैं हम कोफिशियंट ऑफ एक्स दैट इज वन. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका कोफिशियंट नॉन इक्वल टू जीरो है, मतलब वन जीरो के बराबर तो नहीं है ना. अनदर इज द कि इसकी जो एक्स में पावर है वो टू है. और यहाँ पे वन मोर थिंग कि जो इसकी पावर है वो टू है एंड अदर कि ये जो वेरिएबल है वो सेम वेरिएबल में है, कहीं पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई और प्लस अनदर करके नहीं है. यहाँ पे जो भी है वेरिएबल सेम में ही होना चाहिए. जैसे अगर एक्स में है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, दैट्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स. अगर वाई में बोले तो वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई. तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो इसमें दो चीज़ें, अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है, कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे मैंने माना कि हमारा पॉलिनोमियल है पी ऑफ फंक्शन एफ एक्स का क्यूब प्लस एक्स की पावर फाइव प्लस एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स की पावर टू प्लस एक्स की पावर वन यानी एक्स और प्लस वन. तो अगर हमें इस पूरे इक्वेशन की, नॉट इक्वेशन, ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल, तो हम इस पॉलिनोमियल की जो हमारी पूरी वैल्यू है, जो पॉलिनोमियल है इसकी अगर हम डिग्री पूछें तो डिग्री क्या होती है, जो हमारा वेरिएबल है उसकी जो हाइएस्ट पावर होती है. हमारा वेरिएबल किस में है, एक्स में. हमारी जो पावर है वो हाईएस्ट पावर किस में है, अगर ये थ्री है, ये फाइव है, ये थ्री है, ये टू है, इसकी पावर वन कर सकते हैं. तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर हमारी कितनी है, फाइव. तो हमारी जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, फाइव. अगर किसी भी क्वेश्चन का हमें डिग्री पूछे, दैट इज द आंसर, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री होगी. एंड देन नाउ हम बात करते हैं कि अगर मुझे कोफिशियंट चाहिए, कोई भी इक्वेशन है, जैसे मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. बिकॉज क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल सेम है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है एंड थर्ड चीज कि जो हमारा a है वो नॉट इक्वल टू जीरो है. और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे जो ए बी और सी है वो तीनों रियल नंबर है. मतलब रियल नंबर का मतलब ये होता है कि वो ग्रेटर देन जीरो है. यहाँ पे तीनों चीज़ें हम देखेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है. तो अगर हम इसको हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इक्वल्स टू जीरो से, तो हमें कंपेरिजन में क्या, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू हमें 6. तो यहाँ से हमें क्लियरली फाइन निकल के आया गया कि ए इक्वल टू 2
बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू 6। हमने क्या सीखा, सबसे पहली बात कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते कैसे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की कंडीशन क्या क्या होती है, फिर अनदर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयर करके हम ए बी सी तीनों की वैल्यू, तीनों यानी कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है वो कितना है 1, यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ एक्स कितना है 5, एंड यहाँ पे कितना है, ये एक खुद कोफिशियंट है, तो ये कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड ये कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ क्लियर दैट। अब जैसे मैंने कुछ लिए हुए हैं यहाँ पे, मैं बोलूंगा इनको, वन सेकेंड, इट इज ऑल नाउ, यहाँ पे कुछ इक्वेशंस हैं, हम डिफाइन करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है तीनों में। तो फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर में पावर होनी चाहिए, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16/4। मैंने क्या बोला कि इक्वेशन में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड्स में अगर एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू करेंगे, एंड 16 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 4 एंड 4 4 16। तो जो हमारी एक्स की वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर की, वो हमारी कितनी आई 4। और हमें पता है कि एक्स बराबर हम जब भी करेंगे तो हमारा जो आएगा वो अंडर रूट में 4 आएगा। अगर अंडर रूट में 4 आया तो जब भी किसी का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें दो वैल्यू निकलती है, एक प्लस और माइनस और उसका स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2, और अंडर रूट हटेगा तो प्लस माइनस 2 मिलेगा, यानी यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ये रहा। अब अगर ये मैं ये बोलूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने 4 से दोनों साइड डिवाइड करा, ठीक है, हमें मिला क्या, हमें मिला हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये मिला हुआ है अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ। अब मैं अगर इसको मैं बात करूँ, मैं इसको यहाँ से बोलूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 कर दूँ, तो क्या ये इक्वेशन है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि इसमें दो साइड्स है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरा राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे क्लेरिफाई है कि यहाँ पे दो इक्वेशंस, ये इक्वेशन है। एंड अदर थिंग कि यहाँ पे मैं ये बात करूँ कि अगर मैं इसको कंपेरिजन करूँ ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, यहाँ से कंपेरिजन करता हूँ, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशियंट मतलब ए की वैल्यू हमें क्या मिली 1, फॉलो हो रहा है। एंड यहाँ पे देखो बी एक्स नहीं है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे साइड में 0 और इंटू एक्स लिख दूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 है, 0 किसी में भी ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं बी बोलूँ कि ए तो मुझे 1 मिल गया और बी मुझे मिल गया 0 एंड सी मुझे भी मिल गया, यू कैन गेट इट, ये देखो -4, यहाँ पे c की वैल्यू मिल गई -4। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की कंडीशन क्या है कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होएगी जब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो एंड a नॉट इक्वल टू 0 हो। तो a हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, ये देख लो, a नॉट इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारा ये क्लियरिफाई हो गया। एंड बी सी आल्सो भी 0, कोई दिक्कत नहीं, अगर ये 0 हो भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं ऐसे ही बोलूँ कि मैं बोलूँ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि मैं मान लेता हूँ इसमें जो एक्स का कोफिशियंट है वो 0 है। अब मैं दूसरी बात करूँ, जैसे इसमें देखो ये मेरा एक है, यहाँ पे हमारा क्या है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इक्वल टू 0 से। नाउ अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे a की जो वैल्यू है ना वो 0 आ रही है कंपेरिजन करने पे, तो हमें तो पढ़ा है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसके हिसाब से पहला ही कंडीशन हमारा फेल हो गया और हम ये बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन नहीं, यहाँ से क्लियरिफाई हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। ओके, अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो ये क्या है, अब देखो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मैंने x स्क्वायर का टर्म क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कुछ भी हो, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया,
यहाँ पे x की जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है, यहाँ x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, तो डिग्री 1, पावर हाईएस्ट पावर विल बी द डिग्री। तो यहाँ पे x की वैल्यू, x का जो डिग्री है वो 1 हो गई और x की पावर भी यहाँ पे 1 है। अब अगर ये 1 है तो हम इसको बोलते हैं लीनियर, इसको बोलते हैं लीनियर। अब ये लीनियर है, अब यहाँ पे इक्वल टू 0 भी है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे ये हो गया लीनियर इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूँ, ये तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर का भी कोफिशियंट है, एक्स का कोफिशियंट है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर एक्स मतलब सेम वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर भी 2 ही है, ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ मूव द नेक्स्ट लाइन, फैक्टराइजेशन। नाउ अगर हमारा जो इक्वेशन है, वन सेकेंड आई टेल यू समथिंग कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म। ठीक है, हमारा जो जनरल फॉर्म होता है इक्वेशंस का वो क्या होते हैं, तो मैं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ दिस, अगर मैं बोलूँ एक कैपिटल एक्स स्क्वायर कैपिटल बी एक्स एंड प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है, क्योंकि हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एंड यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर देना, जब भी कोई वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से हमने क्लियरिफाई कर दिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये इसका ना, इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, या फिर बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। नो, अब अगर ऐसा है, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन होगी, अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब क्या होगा, हमें इसको तोड़ना है, स्प्लिट करना है। तो हमारे पास दो तीन मेथड है, पहला है फैक्टराइजेशन, या इसी को हम एक मेथड और बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड सबसे इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बस टेबल याद होनी चाहिए। जैसे मैं अगर बोलूँ, मैंने एक एग्जांपल लेकर रखा हुआ है यहाँ पे, जैसे मैंने लिया है यहाँ पे, ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी से कंपेयर करेंगे। नाउ मैंने यहाँ पे कंपेयर करके दिखा हुआ है कि हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, हमारा क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ हमें कंपेयर करने के बाद हमें जो मिला है वी गेट कि ए इज इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 6। नो, अब इसमें सबसे बड़ी चीज होती है, हमें तीन तरह के टेबल बनाने पड़ते हैं, एक हम ए क्रॉस सी, फिर ए प्लस सी और ए माइनस सी। मतलब हम क्या करेंगे, जो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको कॉन्स्टेंट साइन मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कितना आता है। जैसे मैंने इसका करा 1 × 6, दैट इज 6, अब मेरा 6 आ गया। अब मुझे ऐसा क्या करना है कि 6 जो आया है ना, ए और सी को मल्टीप्लाई करने पे आया, अब ए और सी को मल्टीप्लाई करने पे 6 आया, अब ए और सी को हम प्लस करें या फिर माइनस करें, हमारा क्या आना चाहिए, बी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे बी के लिए हमें क्या मिलेगा, 1 + 6 = 7, 1 + 1 - 6 - 5, हमें चाहिए क्या 5, तो हमारे लिए ये सुटेबल नहीं। वेट, नाउ अब 2 × 3 = 6 होता है, हमें पता है 2 × 3 = 6 होता है, तो 2 × 3 = 6 हो गया, 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6 हो गया। लेकिन अगर 2 और 3 को जोड़े तो हमारा 5 आता है क्या, ऑफकोर्स आता है यार, ठीक है। ओके, अब 5 मिल गया मुझे, ठीक है, अब देखते हैं क्या करेंगे, हमने स्प्लिट कर दिया 5 को कितने में, 2 और 3 में स्प्लिट कर दिया, क्योंकि 5 को हम 2 और 3 के प्लस कर लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे वही करा है, चेक इट। अब देखो यहाँ पे है तुम्हारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x प्लस 6 = 0। अब एक्स स्क्वायर 5x को हमने तोड़ दिया, 5 को तोड़ा मैंने 3 + 2 में, सब कुछ सेम, नो चेंजेस। फिर
अब x का गुणा, हमने ये पढ़ा है कि अगर a b प्लस सी ऐसा है तो a का गुणा पहले b में, फिर a का गुणा c में। अब साइन सेम, तो ए बी और बी सी होता है, तो सेम काम एक्स के साथ करते हैं। एक्स का गुणा 3 में 3x, एक्स का गुणा 2 में 2x, और फिर कॉन्स्टेंट को सेम ऐसे। फिर एक्स स्क्वायर और 3x एक टर्म ले लिया, और 2x प्लस 3 6 एक टर्म ले लिया। अब यहाँ एक्स कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिला, एक्स प्लस 3 मिला। अब सेम अगर यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो एक्स प्लस 3 हमें तब भी मिलेगा। अब ओवरऑल इक्वेशन में हमें पूरे में एक्स प्लस 3 कॉमन आ रहा है। कैन वी सी दैट, एक्स प्लस 3 कॉमन आया तो एक्स माइनस 2 बच गया, और ये इक्वल टू 0 हो गया हमारा यहाँ पे फर्स्ट टाइम। अब देखो, अब कोई भी अगर मल्टीपल हम कहें कि 2 × 0 इक्वल्स टू 0 है, अगर ऐसी बात बोले, सॉरी वेट वेट वेट, अगर ए इंटू बी इक्वल टू 0 है, अगर ऐसा है तो इसमें से तभी ये 0 हो सकता है। या तो ए इक्वल टू 0 हो, या फिर बी इक्वल टू 0, या फिर ए एंड बी बोथ आर इक्वल हो 0। देखो, जैसे मैं ए और बी की, ए की वैल्यू कुछ भी ले लो और बी की एक 0 कर दो, 0 आएगा। या हम बी की वैल्यू कुछ भी ले ले, ए की 0 कर दे तो भी 0 आएगा। या हम ए बी दोनों को 0 ले तो भी 0 आना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ऐसा कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम सिंपली, ये भी तो मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये मल्टीप्लीकेशन में अगर 0 है तो इंडिविजुअली ये अलग अलग भी तो 0 हुआ। एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 ना, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, सिंपल। सेकंड मेथड है, बहुत इजी है, ये फार्मूला बेस्ड है। हमें ए बी सी पता था तो हम सिंपली, हमें एक फॉर्मूला याद करना है, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इसको बनाया गया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हमेशा फॉर्मूले में एक्स इक्वल्स टू हैगा, ठीक है। फिर माइनस बी, बी की वैल्यू हमें पता थी 5, माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट, 5 का स्क्वायर चाहिए तो 5 का स्क्वायर 25। सबसे चीज़ें, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर चाहिए और जिसकी लास्ट डिजिट 5 हो, जैसे 15, तो हम क्या करेंगे, लास्ट का स्क्वायर 5, 5 सा 25, और 1 का नेक्स्ट, इसके आगे जो नंबर आता है 1 के बाद 2, उससे मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, तो ये 15 का स्क्वायर हो गया। मान लो मुझे 95 का स्क्वायर लेना है, तो 95 का मुझे स्क्वायर चाहिए, तो मैं कैसे ले सकता हूँ, 5 का स्क्वायर दैट इज अ 25, एंड 9 10 जा 9 का 10 से, 9 के एक जोड़ के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 9 का 90, तो जो हमारा 95 का स्क्वायर है वो है 9025, सिंपल। तो सेम तरीका, वही 5 5 25। अब 4ac, ए मुझे पता था 1 था, एंड सी पता था मुझे 6 था, तो अपॉन 2 ए होता है 2, और ए मुझे पता है 1 है, तो यहाँ से क्लेरिफाई हो गया, माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो यहाँ 25, 6 चौके 24, 24 एकदम 24, 25 में से 24 जाएगा तो बचेगा 1, अंडर रूट 1 अपॉन 2, क्योंकि 2 1 2 होता है। फिर यहाँ से हम करेंगे माइनस 5, और अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5, अब प्लस और माइनस 1 अपॉन 2। अब एक बार हमें प्लस साइन लेना होता है और एक बार हमें माइनस साइन लेता होता है। प्लस लेंगे तो माइनस 5, माइनस 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ये होगा, एंड सेकंड अगर हम लेंगे तो माइनस 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 होगा। तो दोनों में हम सॉल्व करते हैं, माइनस 6 बाई 2, ये तो माइनस के लिए आ गया यानी, और माइनस 4 बाई 2 ये हमारा किसमें आ गया, प्लस के लिए आ गया। जब प्लस साइन लिया तो हमें आंसर मिला कितना, माइनस 2, और अगर हमने माइनस साइन लिया तो हमें आंसर कितना मिला, माइनस 3। तो माइनस 2 एंड माइनस 3, सॉरी माइनस 2 एंड माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, वॉट, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के ये दोनों क्या है, फैक्टर है। और वन मोर थिंग, कि ये जो फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग मेथड है या फिर श्रीधराचार्य फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला है, उस दोनों से हमें
हमारा जो आंसर आता है वो ऑलवेज सेम होता है. ओके, नाउ मूव द नेक्स्ट. हमने पढ़ा श्रीधराचार्य फार्मूला, उसमें जो अंडर रूट, ठीक है, वेट, वन सेकेंड, कैन स्टार्ट, यस नो. हमने पढ़ा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वो क्या होता है एक बार हम बोलते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. ठीक है, अब इसमें जो एक चीज होती है, ये जो अंडर रूट के अंदर है इसको हम बोलते हैं d. इसको क्या बोलते हैं? d मतलब डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट ये क्या बताता है? हमारा जो इक्वेशन है ना उसका नेचर बताता है. किसका नेचर बताता है? इक्वेशंस के रूट का. यानी जो d की वैल्यू है वो d बराबर क्या है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. अब जैसे मैंने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अब अगर मान लो इसकी वैल्यू जो हमें वो ग्रेटर देन जीरो आ जाए, मतलब ऐसा कुछ हो कि फाइव आ जाए वो, क्योंकि फाइव ग्रेटर देन जीरो, यानी d की वैल्यू मुझे फाइव मिल गई यानी ये ग्रेटर देन जीरो है, तो इसको हम बोलेंगे रियल होंगे रूट्स. मतलब रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे. जैसे अगर कोई टू है, माइनस टू है, तो अगला माइनस थ्री हो जाएगा. कोई फाइव है तो कोई सिक्स हो जाएगा. मतलब दोनों सेम नहीं होंगे. यहाँ पे ये बात, अगर मान लो डी इक्वल्स टू जीरो, यानी हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है, तो तब हम क्या कहते हैं? हम बोलेंगे हमारे जो रूट्स है ना वो इक्वल होंगे. जैसे अगर रूट्स आया है टू तो दूसरा भी क्या होगा? टू. अगर रूट्स आया माइनस टू तो दूसरा होगा माइनस टू. मतलब बोथ आर सेम. अब तीसरा हम बात करेंगे कि डी लेस देन जीरो, ठीक है, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, तो इसका मतलब हमें मिलता है कि नॉट रियल, रियल ही नहीं होंगे. अब रियल नहीं होंगे तो क्या होंगे? ये इमेजिनरी इसको बोलते हैं. हम इमेजिन कर लेते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं इसको, हम इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, कि ये इमेजिन कर लेते हैं और ये रियल रूट्स नहीं होते, ठीक है. अब तीन चीज़ें हमने यहाँ पे क्लेरिफाई कर ली. अब हमारे पास दो आइडेंटिटीज होती है, वो हम देखेंगे. जैसे हमारे पास एक आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू ए बी. सिंपल. अब ये आइडेंटिटी का क्या यूज है? हाँ, एक चीज और है. अब ये आइडेंटिटी का यूज हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तब रूट्स निकालने के लिए किया जाता है जब हमारा मेथड कौन सा हो? कंप्लीट स्क्वायर मेथड. कंप्लीट स्क्वायर मेथड. आई थिंक इट्स वेरी टफ बट मैं इजी करूंगा, डोंट वरी. कंप्लीट स्क्वायर में क्या होता है? हमें स्क्वायर बनाना पड़ता है लाइक दिस. स्क्वायर बना के हमें उसका रूट निकालना होता है. अब स्क्वायर बनाएंगे, रूट निकालेंगे, तो इसमें ऑब्वियस ही बात है टाइम लगेगा, माइंड लगेगा. तो सो गाइस, आज के लिए थैंक्स. प्लीज लाइक and subscribe now in the channel. Next, kal milte hain. Goodbye.